ये लड़की नेल्स भी नहीं लगा के आई थी, अब यहाँ नेल्स लगा रही है यार। ये मेरा फोर्थ टैटू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज है नूर का बर्थडे। अभी मैं जाऊंगा, पहले मैं अपनी बियर्ड सेट करवाता हूँ, देन मैं घर आऊंगा वापस, फिर रेडी होके मैं निकलूंगा सीधे जहाँ पर हमने बुक किया है कैफे, वहां पर। तड़ा, तो बियर्ड सेट हो चुकी है मेरी और अब मैं निकलूंगा रेडी होके। टाइमिंग सबको दिया 12:30 बजे की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हम लोग जल्दी पहुंच जाएं, मतलब मैं और यश जल्दी पहुंचने का प्लान कर रहे हैं, ताकि हम लोग जाके देख लें कि डेकोरेशन वगैरह कैसी हुई है। तो चलिए मैं रेडी होता हूँ और उसके बाद आपको लेके चलता हूँ आज नूर के बर्थडे पार्टी में। यो, चलो मैं अपने पहले बाल सेट करता हूँ और फिर निकलता हूँ फटाक से, बहुत लेट हो गया। तो मैं हो चुका हूँ तैयार और अब मैं निकल रहा हूँ कैफे के लिए। मैं अभी यश को भी कॉल करूंगा, वो भी आ जाएगी वहाँ पे। फ्लावर बुके के लिए मैंने गज्जू को फोन कर दिया है, गज्जू लेके आएगा फ्लावर बुके। और ये मेरे पीछे था जाइंट टैडी, जो बहुत जगह घेर रहा था और लोग देखते हुए जा रहे थे कि इसके अंदर ऐसा क्या है। इधर आ। सो ये पहुंच चुकी है मेरे साथ, हम दोनों पहुंच गए हैं गिफ्ट के लिए हमारे, और हम दोनों सच में पहले पहुंचते, वो लोग आएंगे। नूर तो 1.5 घंटे लेट है, 1.5 घंटे लेट यार। चलो हम चलते, इतने बहुत भारी है। और ये है सारंग कैफ़े की एंट्रेंस। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और फूड तो लाजवाब, और एम्बियंस भी आप लोग देख रहे हो बहुत 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 प्यारा है। और जो यहाँ के ओनर है वो भी स्पेशली बात करने आए, ओवरऑल कोरियन फूड ट्राई करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मस्ट विजिट दिस प्लेस इन मजनू का टीला। क्या हालत हो गई इसकी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं हम दोनों एज ऑलवेज सबसे जल्दी, और डेकोरेशन वगैरह भी सब कुछ हो चुका है। और ये डेकोरेशन जो करी है वो करी है जस्ट फॉर यू सरप्राइज। उनका मैं पेज जो है नीचे मेंशन कर दूंगा, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ये जो लोकेशन है वो है सारंग कैफे, जो मजनू का टीला में न्यू ओपन हुआ है, और इसका एम्बियंस बहुत 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 अच्छा है। कोरियन थीम है इनका और काफी 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 अच्छा। और ये डेकोरेशन करी है जस्ट फॉर यू सरप्राइज प्लानर्स ने। उनका यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम पेज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर चेक करना। ये पता तब से मेरी तारीफ कर रही थी यार, मैं इससे बहुत टाइम बाद मिली हूँ, आई थिंक 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन सच में बहुत ज्यादा हॉट लग रहा है। टैन हो गया, टैन नहीं, मुझे हॉट लग रहा है ये। तारीफ कर रही हूँ, माय गॉड, बस कर। इसका अपीयरेंस, इसका बॉडी, तो फिर भी हो, व्हाटएवर, बट BTS वगैरह के भी। हां, जो भी BTS फैन हो प्लीज कमेंट करना, सबके नाम कमेंट करना कमेंट सेक्शन पे, देखते हैं कौन कौन यहाँ पे BTS फैन है। आ जाओ आर्मी। अभी गज्जू का भी मैसेज आया और वो बोल रहा है 1:30 बज जाएंगे उसको। आज सारे लेट हैं हम, 2 घंटे बर्थडे गर्ल तो घर से बाहर नहीं निकले। अरे चलो बर्थडे गर्ल का तो थोड़ा मान भी ले, बाकी वो लोग, मुझे डर है ये बलून्स हवा में निकल जाए इनकी। ये डेड बॉडी तो दिखा, ये प्रेम ना अपने कंधे पे लेके आए हैं, जैसे बाहुबली में वो शिवलिंग लेके जाते हैं। तो प्रभात से ज्यादा बेटर है। सो गाइस, ये दोनों भी आ गए हैं यहाँ पर, प्रॉपर 2 घंटे लेट है ये, प्रॉपर 2 घंटे लेट। इसी बार हम लोग ट्राई करने वाले सुशी। हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी चॉपस्टिक को ढंग से पकड़ने में, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा था, मतलब इतनी मुश्किल से वो खाया है ना, क्या बताएं। इट वॉज एक्चुअली गुड, कुछ न्यू था, पहली बार ट्राई करा, तो मेरी तरफ से तो थम्स अप था बिल्कुल। मोहित प्रभात को भी ठीक लगा, लेकिन उनको इसमें कच्चे तेल की जो महक आ रही थी वो पसंद नहीं आ रही थी, बस ओवरऑल अच्छा लगा उन्हें भी। ओवरऑल फूड वाज यम, मजा आया काफी। अभी बच चुके हैं 2 और हम 12:30 आए हुए थे यहाँ पे, और ये और हम वो दोनों भी, नींद आ रही है हम लोगों को। तो ये महाशय अब आए हैं, गज्जू आ चुका है फाइनली, वो इतना लेट है नूर कि उसका डेकोरेशन भी गिरने लगा है। आज मेरा फेवरेट बर्थडे है, अपने बाद में गिफ्ट भी देती हूं। गाइस कमेंट में लिख देना, मेहनत देखो मेहनत, पर जिसके लिए मेहनत लग रही वो ही नहीं आई अभी तक। गाइस मैं भी हूं। ये देखिए बर्थडे गर्ल इज इन द कार, हियर शी इज।
तीन घंटे। ये रहा सारंग कैफे और ये रहे ये दोनों। कहाँ जाना है? आओ मैम आओ। बाबू हटना बाबू, इनको आने दो, इन दीदी का बर्थडे है, इनको आने दो। अरे दीदी है थोड़ी। आ जा नूर। बस नूर अभी नहीं रोना। डेड बॉडी है, डेड बॉडी है वो, डेड बॉडी है वो। नूर जल्दी रेडी हो जा, तेरा बर्थडे निकल जाएगा। 21 में होने वाली है, ये अभी रेडी नहीं हुई। ये लड़की नेल्स भी नहीं लगा के आई थी, अब यहाँ नेल्स लगा रही है यार। 4:30 एंड एज ऑलवेज मैं यहाँ उसको परेशान कर रहा था, हम बर्थडे के दिन भी उसको नहीं छोड़ेंगे, परेशान तो करते रहेंगे। और यहाँ गज्जू ने मुझे फंसा दिया। अरे अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, ये देखो बर्थडे गर्ल खुद को पंखा कर रही है। ये केजरीवाल गवर्नमेंट की तरफ से उसको बर्थडे गिफ्ट कर दिया। तो अभी हम क्या करने वाले प्रेम? अभी गिफ्ट्स बोलने वाली है। गेस कर पहले इसमें क्या होगा। मुझे कैसे पता होगा? टेबल चाहिए था, मुझे चाहिए था। इसको क्या नहीं चाहिए ये बताओ। स्केचबुक है ना। हे भगवान, पहले गेस में बिल्कुल सही। तो ये है इसका गिफ्ट, ये देखो। ये लेडी आज नूर पहली बार सुशी ट्राई करने वाली है विद चॉपस्टिक। चल स्टार्ट होता। नोटिस कर लिया मैंने, इस पे इसने पहले सूची उठाने की कोशिश करी, जब इससे नहीं उठी तो इसने पहले किमची उठा ली। फिर झूठी जल्दी जल्दी। कितने बदतमीज़ हैं ये दोनों। मुझे नहीं पता क्या कर रहा है, इसको भी कुछ नहीं पता। सो बर्थडे सेलिब्रेशन इज ओवर और अभी हम लोग बनाने वाले बनवा रहे हैं टैटू। वन टीबी खत्म। वन टीबी पता है वन टीबी क्या होता है? ये मेरा फोर्थ टैटू। घर से निकला तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और टैटू बनवा लिया मैंने। कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा। इससे इंस्पायर्ड होके करियो, दिखियो। वी आर टैटू बर्डीज। टिंकू मेरी चीज को बुलाते हैं। चिंटू रखिए मेरे भाई को बुलाते हैं। टोनी मेरे कुत्ते को बुलाते हैं। ओके नूर बाय बाय। नूर फाइनल वर्ड कैसा रहा तेरा बर्थडे? मुझे बहुत मजा आया। तो एक बार ये कर दे ये। जाओ जाओ बाय। जा जा जा, जा।
अरे जा चला बाय हैप्पी बर्थडे बाय बाय। पत्थर फेंक सकते हैं हम, हमारे पास सिक्के नहीं है पत्थर हैं। जा बाय बाय गाइस बाय। मैं भी ऑटो से जा रहा हूँ, तुम भी ऑटो से जाओ।